दोस्तों, स्वागत है आपका टैंगुला यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एपिक वीडियो एंड फोटो एडिटर कैसे यूज करें, एपिक फोटो एडिटिंग, एआई फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग इसमें कैसे करना है, कैसे चलाना है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, एपिक नाम से एक ऐप है जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे कार्टून से रिलेटेड बहुत सारे एआई के ऐसे कुछ टूल्स हैं जो कि आपको बाहर में कॉस्ट करते हैं, वो आपको फ्री मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी टूल्स हैं इसके अंदर में जो कि आपको प्रीमियम वर्जन लेके इसको यूज करना पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे इसको यूज करना है, क्या आपको फ्री मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। चलिए, पिट एआई फोटो एंड वीडियो एडिटर इस तरह का नाम है और इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह का लोगो आप इसमें देख सकते हैं। और ईपिक एआई एडिटर दोस्तों, इसको कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, तो हम इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। अगर डाउनलोड की बात करें तो दोस्तों 5 करोड़ करीब डाउनलोड हैं हमें देखने को मिलने वाली है। तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे चलाना है ओपन करके। तो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद में जब आप इसकी स्क्रीन ओपन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो एआई आपको फीचर देखने को मिल जाता है। एआई फीचर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आप कार्टून यूनिवर्स के आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ब्रैड डॉल देखने को मिल रहा है ना। इसके बाद में आप एआई पैलेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप बॉडी में टैटू वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, है ना। तो चलिए हम एक एक करके बारी बारी से सारे ऑप्शंस को हम यूज़ कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे कार्टून यूनिवर्स पर क्लिक किया तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो जैसे कि हमें बता रहा है कि एआई कार्टून आपको करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नीचे देखने को मिल रहा है स्टार्ट नाउ वाला, तो स्टार्ट नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन। हम गैलरी से एक फ़ोटो उठा लेते हैं दोस्तों। फोटो उठाने के बाद में यहाँ पे हमारा एक ऐड चलेगी और नीचे आप देखेंगे क्रिएट वाला ऑप्शन है। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक, हमारा एक ऐड यहाँ पे चल रहा है। ऐड चल जाने के बाद में आपको ऊपर क्रॉस कर देना है। करने के बाद में हमारी एडिटिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है और ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है तो हम रुक जाते हैं। और होने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा कार्टून अवतार इसने क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको अलग अलग 3-4 प्रकार के कार्टून अवतार अलग अलग देखने को मिलेंगे। जो भी आपको पसंद आ रहा है और आपको सही लग रहा है तो वो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके फिर आप उसको नीचे यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। देखने में काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ पे लुक देखने को मिल रहा है और कुछ लुक लेकिन सिमिलर्स आपके दिख रहे हैं, कुछ आपको लुक सिमिलर नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लॉक भी हैं, लॉक्ड इन पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन दे रहा है। हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं और इसके बाद में जो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहे हैं उन ऑप्शन को क्लिक करके आप सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर दोस्तों हमें यहाँ पे ब्रैड डॉल वाला ऑप्शन है। ये जो है आपकी नॉर्मल फोटो देख सकते हैं इस तरह की रहेगी और इसको आप जब क्रिएट करेंगे तो इस टाइप की बन जाएगी। बिल्कुल यही होता है इसमें और कुछ नहीं होता। आपके होंठ वगैरह जो है वो फुला देते हैं, आईब्रो वगैरह डार्क हो जाती है, मतलब एक डॉल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है आपकी फ़ोटो से। तो अगर आप चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं, हालांकि बिल्कुल ओरिजिनल से थोड़ा सा हटके लगता है, ओरिजिनल टाइप का नहीं लगता है। इसके बाद में एआई पैलेट का ऑप्शन है दोस्तों। ये ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा है जिसमें कि आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करके फिर हम एक फ़ोटो उठा लेते हैं। फ़ोटो उठाने के बाद में यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आप पे करिए, लेकिन आपके पास क्योंकि पे करने के लिए पैसा नहीं है तो हम यहाँ क्रॉस कर देते हैं। फिर ये चलाएगा एक एडवर्टाइज और जब हम ऐड चला लेते हैं दोस्तों तो ये जो इफेक्ट है ये अप्लाई करेगा। नीचे आप फोटो को देखेंगे मल्टीपल इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलते हैं और इनमें से आप एक एक करके सारे इफेक्ट को क्लिक कर सकते हैं। जो भी इफेक्ट आपको सही लग रहा हो उनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समस्या थोड़ी सी सिर्फ यही है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी इफेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उस जो है ऐड चलेगी। तो मतलब हर एक आप फिल्टर अप्लाई करेंगे उसके लिए एक ऐड चलेगी। मान लीजिए आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो नीचे राइट टिक पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद में आपके यहाँ पे नीचे और ऑप्शन आ जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप फेस वगैरह इसमें रीशेप करना चाहते हैं, रीशेप करना चाहें, मेकअप आप करना चाहें, फोटो का बॉडी टोन इसकी कम ज़्यादा करना चाहें, अपनी बॉडी का साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें। इसके बाद में ऑटो स्किन आप इसमें जो है चेंज करना चाहें तो हम चलिए ऑटो स्किन को और देख लेते हैं। तो हालांकि ज़्यादातर जो ऑप्शन है दोस्तों वो गर्ल्स के लिए हैं, उनको भी मैं अभी यूज़ करके बताऊँगा कैसे हमें यूज़ करना है। तो ये सब कुछ करने के बाद में आपको राइट टिक पर क्लिक कर देना है और ऊपर आपका डाउनलोड वाला बटन देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। फोटो आपके एल्बम में जाके मतलब गैलरी में जाके सेव हो जाएगी दोस्तों और इसके बाद में हमें ओके पर प्रेस करके बैक करके चले जाना है बाहर। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं एआई टैटू वाला ऑप्शन है जिसमें कि आपकी नॉर्मल बॉडी रहेगी। इसमें आप इस तरह से टैटू क्रिएट कर सकते हैं आपकी बॉडी पे, मतलब फोटो में ही टैटू आपकी बॉडी में ही क्रिएट कर देगा दोस्तों। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में हमने फोटो वहाँ से उठा ली है और इसके बाद में यहाँ पे हमें क्रॉस बटन कर देते हैं तो हमारे यहाँ एक ऐड चलेगा।
अब आप नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि एक आप रोज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, लिली का ऑप्शन है, ओल्ड स्कूल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अलग अलग आप बॉडीज़ को अगर देखेंगे तो किसी में टैटू थोड़े से हैं, किसी में टैटू हाथ में है, किसी में टैटू पूरे बॉडी पर है। तो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसमें उस हिसाब से टैटू यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। जैसे हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो हमारा जो हाथ में पहले टैटू नहीं था तो वहाँ पर हमारा टैटू क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं साइड भी और साइड भी, दोनों साइड में हमारे टैटू यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, इस पर आप कोई भी क्लिक करेंगे तो ये आप जो है टैटू उसका क्रिएट करेगा। हो सकता है बीच में एक ऐड चले, ऐड चल जाने दीजिएगा और ये जो इफेक्ट है ये अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। होने के बाद में फिर वही करना है आपको, राइट टिक पर क्लिक करके और बस आपको ऊपर से जो है इमेज को सेव कर लेना है, अगर आप सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए आएँ। अगर मल्टीपल पर्पज़ आप यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको और भी ऑप्शन दिए हैं, सारे ऑप्शन आप इसको जो है यूज़ यहाँ पे कर लीजिए। करने के बाद में फिर ऊपर सेव वाले बटन पे, हम डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो फोटो हमारी सेव यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों नीचे आपको AI एक्सपांड वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इस तरह की फोटो आप डालते हैं और फोटो को आप रीशेप करते हैं तो वहाँ पे आपको पीछे का बैकग्राउंड ये ऑटोमेटिक AI से कन्वर्ट करके बना के दे देता है। और इसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप स्माइल वगैरह सारा कुछ डाल सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो जितने भी इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो सारे हमारे शुरू में ही जो फोटो एडिटिंग का वाला ऑप्शन होता है, एडिट फोटो, अगर हम इधर से डायरेक्ट जाते हैं तो हमें वो सारे ऑप्शन जो यहाँ पे अलग अलग देखने को मिल रहे हैं वो सारे ऑप्शन हमें एडिटिंग में वहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो चाहे तो आप ऐसे चले जाइए, चाहे तो आप अलग अलग सिंगल पर्पज़ के लिए अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन भी, यहाँ से आप अलग अलग सारे ऑप्शन सिंगली उसी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वही कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे और ऑप्शन है जैसे कि AI हेयर, आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, मेकअप करना चाहते हैं फोटो में, अगर आप विदाउट मेकअप आपकी फोटो है और उसमें आप मेकअप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए बस करना वही है कि आपको सारे ऑप्शन से एक एक करके उनको यूज़ करते जाना है। इसी तरह से यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का भी ऑप्शन है दोस्तों, तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा गर्ल्स की फ़ोटो उठा के। तो दोस्तों एडिट फोटो पे अगर आप जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे फोटो आप उसको एडिट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई फ़ोटो उठा लेते हैं और अब इसी फोटो में हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करना है ना, जैसे मान लीजिए आपको बॉडी टोन चेंज करना है या फेस का साइज़ चेंज करना है, आँखों का कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल वाली अगर आप ऑप्शन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको पेड वर्जन जो है इसका लेना पड़ेगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं वो लेना तो फिर आप उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पे जितने भी आपको बाहर से ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कुछ कुछ ऑप्शन जो है वो फ्री हैं, कुछ ऑप्शन आपके नहीं हैं। तो जिस ये सारे ऑप्शन जो है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जैसे कि फेस से रिलेटेड जितने ऑप्शन हैं, जैसे आप देख सकते हैं फेस रेशियो हो गया, इसके अलावा आपका हेयर AI हेयर हो गया, AI फिल्टर हो गया है ना, AI टैटू हो गया, तो टैटू तो अभी हमने देखा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो एडजस्ट का ऑप्शन है, लाइव वॉलपेपर है, ये कुछ ऑप्शन है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते हैं है ना। तो ये सारे आपको चीज़ें आपको इसमें जो है एडिट करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है वो AI आपको AI फीचर्स वाले ऑप्शन में आपको फ्री मिलते हैं, जैसे कि कार्टून आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ डॉल क्रिएट कर सकते हैं है ना, AI पैलेट जिसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, इसके बाद में AI टैटू आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं, फोटो को एक्सपांड कर सकते हैं, फोटो में स्माइल डालना है, एक्सप्रेशन डालना है, दांत दिखाना है, ये सारा कुछ आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये जितने ऑप्शन आपको दोस्तों AI फीचर्स के अंदर में दिख रहे हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों। तो दिक्कत कहाँ आएगी, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले हैं वहाँ पे आप इनको, वहाँ पे आपको पैसा यहाँ पे पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इनको यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। तो इसके अलावा यहाँ पे एडिट वीडियो वाला ऑप्शन भी है, जहाँ पे दोस्तों 5 मिनट तक का वीडियो आप इसके अंदर में एडिट करके डाल सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर मान लीजिए कोई भी वीडियो उठा लेते हैं और मान लीजिए इसको हमें एडिट करना है तो यहाँ पे आपको ये 5 मिनट तक का वीडियो सपोर्ट करेगा। नीचे आपको यहाँ पे बेसिक एडिटर के ऑप्शन दिए हैं जिसमें कि आप ट्रिम कर सकते हैं, कोई साउंड ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें भी फेस का ऑप्शन आता है, इसमें आप फेस, अगर आपकी वीडियो फेस है तो उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसका टोन वगैरह दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ फीचर्स इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं और इसको आप इसमें यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फीचर्स दिए हैं फेस के जिनको आप टोन कर सकते हैं, विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेंथ आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल हमारा वीडियो में फेस नहीं है, कहीं एक जगह उसने फेस डिटेक्ट कर लिया है तो उसी को आप यहाँ पे चेंज करने का बता रहा है। तो वैसे ही आपका वीडियो से फेस डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे उन सारे ऑप्शंस को आप यूज़ कर पाएंगे और उस फेस को भी जो है चेंज कर सकते हैं दोस्तों, और वीडियो आपका सेव करेंगे एडिट करके। वीडियो आपको, वीडियो एडिटिंग में यहाँ पे आपको चार्जेस नहीं लग रहा है जब तक आप डेप्थ वाली किसी ऑप्शन में नहीं जा रहे हैं। तो ये दोस्तों आप ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर में कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, लाइव वॉलपेपर है, कटआउट है, इन सबको भी आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट का ऑप्शन है, लेआउट का ऑप्शन है ना, रेट्रो क्लिप का ऑप्शन है, मेकअप का ऑप्शन तो पेड ही है, इसमें पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको टूल्स के अंदर में दिखा रहा है कि कैसे कैसे टूल्स से आप क्या क्या कर सकते हैं।
तो दोस्तों यही सारी चीज़ें आपको एपिक ऐप AI फोटो एंड वीडियो एडिटर में करना, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसको कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है। इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस के लिए दोस्तों बने रही टेक वाले यूट्यूब चैनल में। स्टे रहो।